हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी लाइव धमाकेदार सेशन एंड यस वी आर लाइव नाउ ओनली ऑन आर एस सर यूट्यूब चैनल जहां मिलता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर तैयारी करके अपने सपनों की एक ऊंची और शानदार उड़ान भरने का मौका जहां होती है जीतोड़ मेहनत आपके सपनों को पूरा करने के लिए तो बिना किसी देर के हेलो एवरी वन दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई चैंपियंस फाइनली आपके आने वाले एयरफोर्स एग्जाम में आपके सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए पूर्ण आहुति की क्लास नंबर टू आ चुकी है जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं फुल ऑन तबाही तो चाहूँगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लगा दीजिए अपनी प्रेजेंट की हुंकार लगा दीजिए अपनी प्रेजेंट का ठप्पा बुला लीजिए अपने सभी यार दोस्तों को दे दीजिए इजाजत आज के सेशन को स्टार्ट करने की हिट द लाइक बटन एंड शेयर शेयर एवरीवेयर फैला दो वायरस की तरह और खींच कर ले आओ लेर पकड़कर क्लास में सेशन स्टार्ट हो चुका है कौन कौन आ चुका है जल्दी से बता देंगे आप सभी के लिए पूर्ण आहुति की क्लास चल रही है जो हमारी अंतिम आहुति होती है आपके आने वाले जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए तो अभी हमारा निशाना है एयरफोर्स का एग्जाम जिसके लिए पूर्ण होती की सेकेंड नंबर की क्लास में लाया हूँ कल फुल ऑन हमने होती की फर्स्ट क्लास में तबाही मचाई थी आज फिर हम तबाही मचाने के लिए तैयार हैं बच्चों नौ को हमारी पहली होती हुई थी दस को यानी कि आज हमारी दूसरी होती है और अगली होती हमारी देखने को मिलेगी आपको बारह अक्टूबर को क्यों सर क्योंकि कल आपको मिलेगा महायज्ञ का महासंग्राम जी हाँ बाकी जो बच्चे अपनी फाइनल प्रिपरेशन का आंकलन करना चाहते हैं वो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 9, 10 और 12 अक्टूबर को जाकर दे सकते हैं शाम सात बजे साइंस ग्रुप के बच्चे और सावानो पर अदर दिन साइंस वाले बच्चे ये आपको हमारे एप्लीकेशन माय राइजिंग इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ कल जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल की तैयारी और किस लेवल का आपको पढ़ाया गया है राइट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाकर आप इसे जरूर दीजिए बाकी आने वाली शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो बेटा एग्जाम का रिव्यू इन हेल्पलाइन नंबरों पर आप जाकर दे सकते हैं ताकि आपको अपने पेपर का रिव्यू मिल सके और आपके भाई बहन जो आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं उनकी मदद हो सके तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को उससे पहले छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर सिस्टम को आखिरी बार में शामिल नहीं किया था राइट दूसरा हमारा मैंसूरेशन तीनों के तीनों चैप्टर हमारे बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिगोनोमेट्री तो आज मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं वो इन्हीं तीन टॉपिक्स के हैं आप सभी के लिए राइट तो इन तीन टॉपिक्स के हमने जैसे कि आपसे बात की थी आज हम इन तीनों टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो एक बार कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए और सेशन को मार दीजिए शेयर क्योंकि अब आएगा मजा नेक्स्ट लेवल पर बेस्ट नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए बेस्ट के और बेस्ट रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लाया हूं इफ यू गाइज रेडी नाउ लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर वी आर रेडी पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं अब गर्दा उड़ाने की है बारी तो चलिए करते हैं तैयारी नेक्स्ट लेवल पर हमारी क्वेश्चंस की भरमार है इसलिए आज रुकना नहीं है थमना नहीं है पहले क्वेश्चन के साथ मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा बेटा बनाइए एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट फड़ से उड़ाइए क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते थे और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते इसलिए मैं आज इसको लेकर आया हूँ अगली जो हमारी पूर्ण होती होगी उसमें हम टॉप फिफ्टी क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए और लेकर आएंगे राइट वो मिक्सड होंगे और वो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाते हैं बार बार आपके एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे राइट बच्चों स्टार्ट करिए पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग अगर संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या हमेशा क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है परिणामी संख्या हमेशा किस से विभाजित होगी तो ध्यान से सुनिएगा तीन अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए आप मैं ले लेता हूँ एक और अगर इस संख्या में से हम इस संख्या के अंकों के योग को घटा दें यानी कि एक में से मैं छह घटा दू तो मुझे मिलेगा एक जो कि हमेशा नौ से कटेगा इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी तीन अंकों की संख्या में से अगर आप अंकों के योग यानी कि सम ऑफ डिजिट को माइनस करते हैं तो हमेशा संख्या नौ से डिविजिबल होती है इट्स कंपल्सरी क्लियर बॉयज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है दो अंकों वाली संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग हमेशा किससे करता है मान लो दो अंकों की संख्या है एक्स वाई और इसके अंकों को पलटकर बनेगी संख्या तो होगी वाई एक्स अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं वाई प्लस टेन एक्स खोल और इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस टेन वाई खोलकर संख्या का प्रसार या विस्तार करना मैंने बहुत अच्छे से बताया अब अगर बोल रहे हैं कि योग तो भैया योग कर दो योग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कितना आप कहेंगे सर ग्यारह एक्स ग्यारह एक्स प्लस ग्यारह वाई यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ ग्यारह एक्स प्लस वाई और कह सकता हूं कि ये जो संख्या है और इसके अंकों को पलट कर बनी संख्या है इन दोनों का जो योग है वो 11 से तो कटेगी, कटेगा ही कटेगा तो एक चीज कंफर्म है कि अगर किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग करते हैं आप तो हमेशा वो 11 से कटता ही करता है जबकि अगर मैं अंतर करूं तो ये बनेगा 9x एक्स प्लस यानी कि 9 इन टू एक्स प्लस अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो उस केस में बच्चों, जो संख्याओं का अंतर होगा नहीं संख्याओं का योग अंकों का योग हाँ तो ये हमेशा किससे कटेगा बच्चों तो ये हमेशा कटेगा याद रखना नौ से यानी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या के अंकों का जो डिफरेंस होगा हमेशा नौ से कटेगा और योग जो होगा वो हमेशा ग्यारह से कटेगा इसे ही अपने दिल में दिमाग में गुर्दों में फेंफड़ों में बसा लो आज ही इसी वक्त राइट एक बच्चा पूछ रहा है दस कहाँ से आया बेटा इसके लिए तुम नंबर सिस्टम की क्लास को जाकर देखो है ना क्योंकि संख्या का जब प्रसार किया जाता है संख्या का विस्तार किया जाता है तो इकाई वाले अंक पर एक आता है दहाई वाले पर दस आता है सैकड़ा वाले पर सौ आता है हजार वाले पर हज़ार आता है ठीक है बच्चे क्या नाम है इस भले आदमी का गज्जू ए गज्जू गज्जू तो क्लास में नहीं आया गज्जू इसीलिए गज्जू दिक्कत हो रही गज्जू निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल और केवल खुद से और एक से कटती हैं बाकी किसी से नहीं कटती राइट right? सबसे पहली संख्या को देखो एक से और खुद के अलावा ये तेईस से भी कट रही है इसलिए ये अभाज्य यानी कि प्राइम नहीं हो सकती अगली 221 है कोई बताएगा मुझे किससे कटेगी आप कहेंगे सर ये 13 से कटेगी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या भी अभाज्य नहीं होगी 437 को देखो जरा ध्यान से तो ये संख्या 19 से कट रही है एक से और चार सौ सैंतीस के अलावा भी ये उन्नीस से कट रही है इसलिए ये भी अभाज्य नहीं होगी केवल एक ही ऑप्शन है जो अभाज्य है इसलिए तीन सौ तिहत्तर आपका आंसर आ जाएगा तीन सौ तिहत्तर अकेली ऐसी संख्या है जो एक से और सॉरी अकेली नहीं एक से और थ्री सेवेंटी थ्री से ही कटेगी और किसी से नहीं कह रहे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ है वाई और जेड दोनों शून्य से ज्यादा बड़ी धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव हैं और जीरो से बड़ी हैं जीरो नहीं ले सकते तो x का अधिकतम मान क्या होगा गौर से देखो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है नौ आपसे कह रहे हैं कि x एक अधिकतम संख्या है बोलो बच्चों अगर x को आपको अधिकतम लेना है तो y और z को आपको क्या लेना पड़ेगा मिनिमम लेना पड़ेगा अब जीरो तो ले नहीं सकते तो क्या लोगे एक एक ही लो पाओगे हैं जी अगर ये एक एक ले लेंगे तो इसको फिर साथ लेना पड़ेगा यानी सात ही इसका मैक्सिमम मान होगा इससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं ऐसे आठ ले लूँ तो बेटा फिर यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर एक को जीरो और एक को एक लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल कितना है नौ है बात समझ में आई नेक्स्ट पर आती है बच्चे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक तिहाई अपने पांचवें भाग से सोलह अधिक है मान लीजिए कि वह संख्या एक्स है जिसका एक तिहाई जो है यानी वन थर्ड जो है इसके एक्स बटे पाँचवें भाग से कितना ज़्यादा है सोलह ज़्यादा है राइट तो एक्स बाई थ्री माइनस एक्स बाई फाइव बराबर आ जाएगा बच्चों सोलह एल्सियम लेके कैल्सियम खा लो बेटा पाँच दिया पंद्रह तो पाँच एक्स माइनस हो जाएगा तीन एक्स बराबर में आ जाएगा सोलह तो दो एक्स बटे आ जाएगा पंद्रह दो से काटेंगे आठ बार में और पंद्रह अठे हो जाएगा एक सौ बीस तो संख्या आ जाएगी हमारी बेहद प्यार से एक सौ बीस यानी एक सौ बीस वह संख्या है जिसका एक तिहाई यानी कि चालीस एक बटे पाँच यानी कि चौबीस से सोलह ज़्यादा है बिल्कुल सर नेक्स्ट पर आएंगे किसी संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ते हैं तो 1808 मिलता है तो वह संख्या क्या होगी दिमाग चलाइए आंसर दीजिए बच्चों ज्यादा खास सवाल नहीं है कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको यह बात की गारंटी है बच्चों मान लो की संख्या x है जिसका वर्ग अगर आप 28 के वर्ग में जोड़ेंगे तो कह रहा है आपको 1808 की प्राप्ति होगी राइट हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अट्ठाइस का स्क्वायर सात होता है इसलिए कहा था एक से लेकर तीस तक की संख्याओं के स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट याद कर लो रट्टा मार लो राइट right? बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन को इजी बनाने में तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 1024 जो बच्चा बच्चा चप्पे चप्पे का अभिषेक सर का जानता है कि ये 32 का वर्ग है इसका मतलब एक्स का मान कितना रहा होगा बच्चों बत्तीस रहा होगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा डी फॉर डेहली ठोको ताली बोलो रा एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगने से आठ ज्यादा है मान लीजिए संख्या एक्स है तो इस संख्या का जो वर्ग है वो इस संख्या एक्स के दुगने से आठ ज्यादा है ऐसा ये बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं ऑप्शन से किया करो ऐसे सवालों को तो ज़्यादा आसानी होगी बच्चों ऑप्शन नंबर डी ले, ले लेता तो तो नेक्स्ट पर आएंगे बच्चों अगला प्रश्न है एक संख्या और उसके तीन बटे पांचवे भाग के बीच का अंतर एक संख्या मान लो एक्स और उसके तीन बटे मतलब पचास दिया है हमारे हिसाब से होगा दो एक्स बटे पाँच सवाल में दिया है पचास तो एक्स का मान दो से काटेंगे एक सौ पच्चीस आ जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर है बोलो बात समझ में आई लाड लो सारे सवाल बेटा यहाँ पर जो सवाल आ रहा है हर सवाल के अपने एक मायने हैं समझ लो जो स्क्रीन पर आ रहा है पूर्ण आहुति में आ रहा है महायज्ञ में आ रहा है ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं फिर बता दूं एग्जाम जब देने जाओगे और लौट कर आके मुझे रिव्यू दोगे तब मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि देखो बेटा कराया था कि नहीं कराया था क्लास में याद रखना इस बात को अगर बातें दिल की गहराई में उतर रही हैं तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कंजूसी हो सवाल में बोला है पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा याद रखो एन विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और यही इस प्रश्न का आंसर है ठोको ताली नेक्स्ट पर आ जाएंगे पिछहत्तर से संतानवे तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे पूछा गया है योग क्या होगा तो कुछ भी नहीं करना आपको अगर आपको पिछहत्तर प्लस छिहत्तर प्लस सतहत्तर प्लस डॉट 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 नाइन्टी सेवन तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है तो सबसे आसान तरीका है जोड़ लो ना ना जोड़ लो 75 से लेके संतानवे तक ही तो जोड़ना है जोड़ लोगे तुम तो जोड़ने में उस्ताद हो है कि नहीं लेकिन मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा आपको ऐसा करो क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते आप करना क्या है वो समझो आप एक काम करो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 नाइनटी सेवन तक की संख्याओं के योग में से एक से लेके सेवेंटी फोर तक की संख्याओं के योग को हटा दो तो आपको पिछहत्तर से संतानवे तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा बेहद प्यार से हमें ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू यानी कि संतानवे इंटू अंठानवे बटे दो और ये होगा चौहत्तर इंटू पिचहत्तर बटे दो राइट काटा कूटी खून खराबा कर रहे हैं दो चौकाठ दो नाम अठारह दो से काटेंगे दो ती छः दो सत्ते चौदह इंटू कर लीजिए जब आप संतानवे इंटू उनचास करेंगे तो आएगा फोर सेवन फाइव थ्री माइनस करेंगे सैंतीस इंटू तो आएगा टू सेवन सेवन फाइव माइनस करेंगे लाड लो तो बड़े प्यार से आपको आंसर मिलेगा वन नाइन सेवन एट और यही इस प्रश्न का आंसर होगा डी फॉर डेहली सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आप लोगों को याद रखिए गुरु जी सांस बंद हो गई पेट में सर दर्द हो रहा है ओके बेटा तो अपने घुटने के दिमाग पर जोर डालो बेटा उससे होगा ये कि आपके घुटने नहीं सॉरी दिमाग अच्छे से चलने लगेगा ठीक है तो हाँ इक्यावन से सौ तक का सेम पैटर्न पर अभी जो बताया मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न पर करना है जल्दी करके बता दो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर एक से लेके सौ तक की संख्याओं के योग में से बच्चों अगर मैं एक से लेके पचास तक की संख्याओं के योग को हटा दूं तो इक्यावन से सौ तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा यह कितना होगा सौ इंटू एक सौ एक बटा दो और ये कितना होगा पचास इंटू इक्यावन बटा दो ये होगा पचास पचास और ये होगा बारह सौ पचहत्तर पचास पचास में से बारह सौ पचहत्तर माइनस कर लेना सैंतीस सौ पचहत्तर आपका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से डी फॉर डेहरी समझ में आया बच्चों नेक्स्ट पर आ जाइए बताइए इकाई का अंक क्या होगा बेटा इकाई का अंक निकालने के लिए हमेशा इस बात को आप आपको इस बात का इल्म रहना चाहिए चार की पावर जब भी चार की पावर जब भी ऑड होती है इकाई अंक हमेशा चार होता है सिमिलरली नौ की पावर जब भी इवन होती है इकाई अंक हमेशा एक होता है नौ की पावर जब भी ऑड होती है इकाई हमेशा एक होता है फैक्टोरियल चार के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका इकाई अंक हमेशा शून्य होता है फैक्टोरियल चार के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं सभी के सभी चार से कटते हैं जब भी कोई पावर चार से पूरी पूरी कट जाए हमेशा चार पावर लगाते हैं मैंने पूरा यूनिट डिजिट पढ़ा दिया तो मैं अभी के अभी इकाई अंग निकाल रहे हैं तो हमें केवल इकाई अंग से मतलब होना चाहिए तो इसको हटाओ, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ राइट बचा तीन की पावर चौबीस चार से भाग लगाएंगे पूरा पूरा कटेगा तो मैं चार पावर लगा देता हूँ माइनस की पावर है अड़तीस चार से भाग लगाएंगे छत्तीस पूरा पूरा कटेगा दो बचेगा प्लस छः का कभी नहीं बदलता इसलिए चार का भाग लगाकर टाइम वेस्ट मत करो तीन की पावर चार इक्यासी का इकाई अंक एक, एक होता है सात की पावर दो मतलब उनचास का इकाई अंक नौ होता है प्लस में आ गया छः छः और एक हुआ सात में से नौ गया तो माइनस का दो कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं आता जब भी माइनस में आए बच्चों याद रखना आपको क्या करना है दस जोड़ना है आंसर कितना आएगा बच्चों आठ आएगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा यानी कि डी फॉर डेली ताली अगर बात समझ में आ गई है मैंने पूरा यूनिट डिजिट पढ़ा दिया तो मैं एक ही बार में अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों नौ अंकों की संख्या है बहत्तर से कट रही है फोर एक्स माइनस थ्री वाई का मान बता दीजिए क्या होगा बहुत ही जबरदस्त शानदार बेहतरीन ढिंचाक सवाल अभी नंबर सिस्टम के चल रहे हैं आगे फिर मिलेंगे टिक्नोमेट्री के आगे फिर मिलेंगे मैंसुरेशन के तो टिके रहिए बने रहिए अगर आपको चाहिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बने और आप उनको बना पाओ ओके बहत्तर से अगर कोई संख्या कट रही है बच्चों तो याद रखना हमेशा वो संख्या नौ से भी कटेगी और आठ से भी कटेगी यानी हमें नौ और आठ दोनों के विभाजिता के नियम पता होने चाहिए आठ का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी के तीन अंक आठ से कटते हैं तो संख्या आठ से कटेगी तो अभी संख्या है हमारे पास सेवन एट वाई अगर आप चाहते हो कि ये संख्या आठ से कट जाए तो बोलो जरा मुझे वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ कौन बताएगा मुझे वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ जल्दी बताइए बच्चों आप कहेंगे कि सर वाई की जगह चार रख दीजिए सर चार रखेंगे तो सात सौ चौरासी आठ से कटने लगेगा लेकिन कंडीशन ये है कि नौ से भी कटने चाहिए तो देखो जरा चार रखकर संख्या को पकड़ लो संख्या है नाइन एट फाइव एक्स थ्री सिक्स एट और फोर अभी नौ से चेक कर रहे हैं हम दो तो नौ का विभाजिता का नियम लगाएंगे जहां जहां नौ या नौ से कटने वाली संख्या नजर आ रही है डायरेक्ट उड़ा दो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना नौ खत्म छ और तीन नौ खत्म आठ और सात नहीं नहीं, नहीं। आठ और सात नहीं क्यों काटना है आठ और सात ना 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 ध्यान से देखो आठ पाँच तेरह आठ और आठ सोलह और चार बीस और सात सत्ताईस हाँ आठ और आठ सोलह और चार बीस और सात सत्ताईस नौ से कटता है बच्चा केवल पाँच प्लस एक्स अगर आप चाहते हो कि ये भी नौ से कटे तो बोलो एक्स की जगह क्या रख सकते हैं सर एक्स की जगह भी चार रख सकते हैं यानी एक्स का मान भी चार वाई का मान भी चार दोनों के मान आ चुके हैं आपके पास आपसे पूछा है फोर एक्स माइनस थ्री वाई मान तो फोर इंटू फोर माइनस थ्री इंटू फोर यह आ जाएगा सोलह यह आ जाएगा बारह आंसर भी आएगा चार ओहो क्या बात है भाई क्या बात है क्या बात है आंसर आ गया बिफोर बॉम्बे बोलो मजा आया अरे मजा आया कि नहीं आया आया तो इस सवाल को तो तुम बना ही दोगे फिर बना दोगे मुझे पूरा यकीन है इस बार कह रहे हैं अट्ठासी से कट रही है बेटा अगर अट्ठासी से कट रही है तो डेफिनेटली ग्यारह से और आठ से दोनों से कटेगी ठीक है तो पहले आठ का रूल लगा लेते हैं लास्ट के त्री अंक पकड़ लो नौ एक वाई अगर चाहते हो कि आठ से कटे तो बोलो वाई की जगह क्या रखूँ बताइए वाई की जगह क्या रखा जाए आपकी इजाजत से आप कहेंगे कि सरकार वाई की जगह एक काम करिए दो रख दीजिए तभी तो 912 सौ आठ से कटेगा आठे कम आठ बचा एक आठे कम आठ आठ सौ बत्तीस दो से कट जाएगा नाउ अब चेक करते हैं ग्यारह से कटेगा या नहीं तो पहले संख्या लिख लीजिए वन सेवन नाइन एक्स जीरो नाइन वन और वाई की जगह दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लगाओ नौ का ग्यारह का विभाजता का नियम एक में से सात गया माइनस का छः नौ में से एक्स गया नौ माइनस एक्स जीरो में से नौ गया माइनस का नौ एक में से दो गया माइनस का एक गौर से देखो बच्चों नौ और नौ खत्म छः और एक हुआ सात तो ये आ गया माइनस का सात माइनस का एक्स राइट आप कहेंगे जी सर जरा मुझे बताओ एक्स की जगह मैं क्या रखूं? आप कहेंगे सर एक्स की जगह अगर आप चाहते हो कि ये संख्या पूरी ग्यारह से कटे तो एक्स की जगह चार रख दो जैसे ही चार रखोगे माइनस सात और माइनस चार हो जाएगा ग्यारह ग्यारह से कटने लगेगा तो लो जी एक्स का मान भी मिल गया वाई का मान भी मिल गया रख दो सवाल के अंदर बवाल अंदाज में आंसर आएगा फाइव इंटू फोर माइनस एट इंटू टू ये हो गया बीस ये हो गया सोलह आंसर अगेन आया भोला चार अब बोलो मजा आया अरे बोलिए देवी सज्जलो काहे बड़ा परेशान है भाई नेक्स्ट पर आइए दी गई संख्या किससे कटेगी पूछा गया है तो भैया दो से तो कटेगी कटेगी डेफिनेटली कटेगी तीन से कटेगी क्या हो तीनों दो तो पाँचों चार नौ और चार, चार ग्यारह नहीं कटेगी तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता चार से कटेगी क्या चौहत्तर है लास्ट में नहीं कटेगी सर ये भी ख़त्म केवल दो से और ग्यारह से और चेक कर लो तो एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पर जीरो में से दो गया माइनस दो तीन में से चार गया माइनस एक सात में से चार गया तीन ओ भाई साहब ये भी जीरो हो गया और जीरो सबसे कटता है तो ग्यारह से भी कटेगा यानी कि ये संख्या दो से और ग्यारह से दोनों से कटेगी अब आपको अगर रूल नहीं पता तो हो सकता है आप लोगों को तकलीफ हो रही हो सांस नहीं आ रही हो जी बाबड़ो हो रो हो इसमें कोई शक नहीं है क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात को सत पापा 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 पिछहत्तर क्वेश्चन किसी धन पूर्णांक एन को जब आप सात से भाग कर रहे हैं तो शेषफल के रूप में आपको दो मिल रहा है आपको याद रखना है ये बात कि जो भाज्य होता है हमेशा शेषफल यानी कि रिमाइंडर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब जो भी आप भाज्य के साथ करेंगे यानी डिविडेंड के साथ करेंगे रिमाइंडर के साथ भी अनजाने में वही होगा जब आपने एक संख्या को सात से डिवाइड किया तो दो शेषफल आया अब कह रहे हैं कि अब किस संख्या को मैं सात से भाग लगाऊँ किस संख्या को मैं सात से भाग लगाऊँ कि शेषफल के रूप में मुझे ज़ीरो मिल जाए यानी पूरा पूरा भाग चला जाए अब आप मुझे बताओ एन में सात से भाग करने पर दो क्यों बच रहा है क्योंकि दो सात से छोटा है लेकिन आप मुझे बताओ अगर ये संख्या पाँच ज़्यादा होती मान लो पहला ऑप्शन आंसर होता एन प्लस पाँच होता तो शेषफल भी दो प्लस पाँच बचता जब आपने संख्या को पाँच बढ़ाया तो शेषफल भी पाँच बढ़ जाएगा यानी कि सात आ जाएगा लेकिन सात तो सात से पूरा पूरा कट जाएगा तभी तो जीरो शेषफल आएगा तो आंसर क्या होगा एन प्लस फाइव आंसर क्या होगा एन प्लस फाइव समझ में आया बात तेरे को जे हुई ना बात नेक्स्ट पर आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन चार स्टार लगा लेना इस सवाल के ऊपर एक सवाल किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है डेफिनेटली मिलेगा मैं बता दूंगा आपको इसके लिए डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता रखी है ट्रिक का सदुपयोग कीजिए और आंसर दीजिए बच्चों डायरेक्ट 24 से भाग लगाओ 75 में पिछहत्तर में चौबीस से भाग लगा दो चौबीस ता बहत्तर होता है दो सेशफल बचेगा ठोको ताली आंसर आ गया है एक सेकेंड चौबीस या बहत्तर होता है ना तीन शेषफल आएगा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे एक और लीजिए प्यारा सा सवाल एक्स को दो सौ नवासी से भाग कर रहे हैं तो अट्ठारह बच रहा है उसी संख्या को सत्रह से भाग करेंगे तो करने पर वाई शेष बचता है तो वाई का मान क्या होगा देखो किस तरीके से लैंग्वेज में आपको फंसाया गया है फंसाने की नाकाम कोशिश की गई है भाई जब आप दो से भाग कर रहे थे एक्स को तो अठारह क्यों बच रहा था क्योंकि अठारह में दो का डिवाइड और नहीं जा सकता लेकिन क्या हो अगर इसी संख्या को आप 17 से भाग लगाओ तो क्या तब भी 18 बचेगा नहीं सर 18 तो अब 17 से बड़ा हो जाएगा तो एक बार भाग और चला जाएगा कायदे से जो शेष फलाएगा वो एक आएगा बच्चों बात समझ में आई कह दो हां सर जी अगला प्रश्न आपके सामने है देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं देते जाइए प्रभु एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर लाया गया है हर एक क्वेश्चन इज्जतदार लोगों के लिए है बनाइए बनाइए बच्चों चलिए देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1110 15 से पूरा पूरा कटता है ये एक ज्यादा है तो शेषफल के रूप में एक बचेगा ये दो ज्यादा है तो दो बचेगा ये तीन ज्यादा है, तो है तो तीन बचेगा तो तीन दूनी छह एकम छः अल्टीमेटली छह शेषफल ही बचेगा पंद्रह से छोटा है छोटा है आंसर आ गया टी नेक्स्ट पर आइए नौ से भाग लगाओ चारों चार तीन सातों दो नौ एक सेषफ बचेगा बचेगा पाँचों चार नौ तीनों दो पाँच और एक छः छः शेषफल बचेगा और सातों दोनों आठों तीन ग्यारह नौ से भाग लगाएंगे दो सेषफफल बचेगा अल्टीमेटली छः दूरी बारह एकम एक बारह सेषफल बचेगा लेकिन बारह नौ से बड़ा है इसलिए एक बार भाग और लगाएंगे अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो तीन आएगा ऐसे निकलते हैं बेटा सेशफल समझ रहे हो बात को समझ रहे हो समझ रहे हो तो अगले बना दो उससे पहले उससे पहले उससे पहले क्या है भाई ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन शाम को पाँच बजे जी हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग ये आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा जी हाँ ये आपको मिलेगा बारह तारीख को बारह तारीख को आप सभी के लिए कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें पूरे मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन एक क्लास में मैं आपको दूंगा विद ट्रिक्स विद कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला इसे मिस मत कर देना भले ही आपने पहले मुझसे तैयारी की हो ना की हो आप फ्रेश आए हैं पहली बार जुड़े हैं बस एक बार इस क्लास को देख लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा केवल इस क्लास को गारंटी देता हूं इस चीज की लेकिन ध्यान से मिस नहीं होनी चाहिए क्लास और लाइव आकर ही देखना है बाकी कंप्लीट फुल पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए तेरह तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जिन भी लोगों का एग्जाम है वो सारे बच्चे इस पेपर रिव्यू वो ज़रूर ज्वाइन करें अपने यार दोस्तों तक ये शेयर ज़रूर करें एयरफोर्स का कंप्लीट पेपर कैसा था कैसा आएगा और कैसे क्वेश्चन आए इसका कम्प्लीट व्यौरा आपको दिया जाएगा पूरी टीम के साथ मैं भी दूँगा तो जो बच्चे तेरह तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चे इन हेल्पलाइन नंबर पर अपने अपने पेपर का रिव्यू ज़रूर दें ताकि आपकी भी हेल्प हो सके आपको पता लग सके आप कितने क्वेश्चन सही और गलत करके आए ताकि मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आपके भाई बहन जिनका आगे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको लाभ मिल सके राइट बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पड़ाव से 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग लगाना है तो मैं इसमें अलग भाग लगाता हूँ और इसमें अलग लगाता हूँ इसमें लगाता हूँ 68 से और इसमें भी लगाता हूँ 68 से क्या मैं इसे 68 एट माइनस वन नहीं लिख सकता आप कहेंगे जी की पावर है 67 68 से भाग करना है अच्छा 67 में 68 से भाग जाएगा ही नहीं इसलिए शेषफल 67 ही बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा सर माइनस वन की पावर सिक्सटी सेवन सेशफल प्लस में है सिक्सटी सेवन अच्छा माइनस की संख्या की विषम घात है इसका मतलब माइनस का वन बचेगा सेशफल प्लस कर देंगे सिक्सटी सेवन अल्टीमेटली जो आएगा वो आएगा सिक्सटी सिक्स और यही इस प्रश्न का आंसर है यानी कि सी बात समझ में आई लाड नेक्स्ट पर आ जाइए अगला प्रश्न सेम पैटर्न पर है सत्ताईस को मैं लिख सकता हूँ छब्बीस प्लस की पावर थर्टी को भाग लगाना है बच्चों हमें छब्बीस से ये प्रॉपर्टी है याद दिला देता हूँ कुछ लोगों को नहीं याद आ रही हो अगर कभी भी x प्लस ए की पावर n को x से ही भाग लगाया जाता है तो हमेशा याद रखना जो शेषफल बचता है वो प्लस माइनस ए की पावर n बचता है गौर से देखो x प्लस ए की पावर n को x से भाग लगा रहे शेषफल क्या बचेगा बच्चों प्लस वन की पावर पैंतीस यानी कि वन आपका शेषफल बचेगा बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर होगा लाडलो ये सारी बातें मैं क्लास में डिस्कस करा चुका हूं शून्यों की संख्या निकालनी है फैक्टोरियल 129 दिया है बच्चा बच्चा जानता है फैक्टोरियल वन का मतलब होता है एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पाँच, कहां तक सर जी वन तक आपको अच्छे से बताया है कि ज़ीरो की संख्या दो और पाँच पर निर्भर करती है जहाँ दो और पाँच का मिलन होता है वहाँ पर एक जीरो बनता है ठीक जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं जब लगातार संख्याएं हो, जब कंजिकटिव नंबर हो, तो वन में पाँच से भाग लगाओ पाँच दूनी दस बचा दो पाँच पंजे पच्चीस अगेन पच्चीस में फिर भाग लगाओ पाँच से पाँच बार जाएगा अगेन पाँच में फिर लगाओ पाँच से एक बार जाएगा दैट सेट कुछ नहीं करना एज सिंपल एज दैट इकतीस आपका आ जाएगा बड़े प्यार से शून्यों की संख्या यानी कि कितने शून्य बनेंगे बेटा इकतीस बनेंगे क्योंकि जब एक से लेके एक सौ उनतीस तक की संख्याओं का गुणा करेंगे आप तो उसमें इकतीस बार ज़ीरो आएगा ठीक है नेक्स्ट बना दीजिए जल्दी से आंसर करिए जल्दी से दिलों की बारिश लुकनी नहीं चाहिए बच्चों सर मुझे एन डी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है बेटा हेल्पलाइन पर कॉल करो है ना हेल्पलाइन पर कॉल करो वो आपको पूरी डिटेल देंगे हाँ चलिए अच्छा मैंने अभी बताया कि जीरो का बनना निर्भर करता है दो और पांच के मिलन पर एक दो और एक पांच मिलेगा तब एक जीरो बनेगा यहां पर देखो पांच तो है कई सारे लेकिन दो नहीं है इसलिए कितने जीरो बनेंगे एक भी नहीं यानी कि जीरो जीरो बनेंगे नेक्स्ट पांच दस पंद्रह ओहो ओहो यहां तो गिनने पड़ेंगे आपको बनाइए श्रीमान गिनने पड़ेंगे चलिए दो और पांच पांच तो मुझे लग रहा है बहुत बार आया दो देखते हैं दो इसमें आया है आ, दो इसमें आया है आ, चार बार नहीं नहीं आठ पंजे चालीस होता है ना ओके तो यहाँ पर दो तीन बार आया है दो गुणा दो गुणा दो यहाँ पर दो एक बार आया है उसके बाद दो केवल इसमें आया है चार बार आप खुद देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दो जो है वो नौ बार आया है दो जो है वो नौ बार आया है जबकि आप पाँच गिनोगे तो जो पाँच आया है वो तेरह बार आया है तो ज़ीरो की संख्या किस पर डिपेंड करेगी बेटा जो कम आता है उस पर किस पर दो पर जितने दो होंगे उतने ज़ीरो बनेंगे नौ दो है तो ज़ीरो भी कितने बनेंगे नौ बनेंगे क्योंकि रैंडम संख्याएं दे हैं पचास के गुणनखंडों का योग बताइए बहुत ही प्यारा सवाल है आंसर करिए आप कहेंगे सर पचास को लिख लीजिए पांच की पावर दो गुणा दो की पावर एक नाउ पांच की पावर जीरो से शुरू करिए प्लस पांच की पावर एक प्लस पांच की पावर दो तक जाइए इनटू दो की पावर एक है तो शुरू करिए दो की पावर जीरो से फिर दो की पावर एक तक जाइए खत्म हो चुका है सवाल बेटा पच्चीस और पांच तीस और एक इकतीस हो गया ये इनटू दो और एक हो गया तीन इकतीस दिया हो गया बच्चों तिरानवे और यही इस प्रश्न का आंसर होगा यानी कि बी फॉर बॉम्बे ताली बात अगर समझ में आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की करते हैं शुरुआत पहला सवाल आप लोगों के सामने है बनाइए बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो बेटा हाइपोटेनियस कितना होगा कर्ण कितना होगा पाइथागोरस लगा लो चाहे ट्रिपलेट का यूज कर लो हाइपोटेनियस हो जाएगा पांच हमसे पूछा है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो लंब कितना है चार कर्ण आया है पांच राइट प्लस थीटा आधार बटे कर्ण होता है यानी तीन बटा पांच माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार यानी चार बटा तीन सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए बड़े प्यार से तो पंद्रह पांच तीन हो जाएगा पांच तीन नो हो जाएगा तीन पंद्रह पांच चौके बीस हो जाएगा बारह इक्कीस बीस करेंगे एक बटे पंद्रह आपका आंसर आने वाला है है क्या ऑप्शन में एक बटे पंद्रह जी सर डी फॉर डेहली आपका हो जाएगा मैं भी अभी पढ़ाऊंगा बेटा का परेशान हो रहे हो प्रतीक अभी तो बोला मैंने इसका मतलब तुम अभी आये हो क्लास में है ना टहलते हुए अगले प्रश्न पर आइए बच्चों ओके नाउ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आप कहेंगे सर चार बटा पाँच हो जाएगा जहाँ पर मुझे पता है कि ये लंब है और ये कर्ण है तो आधार कितना होगा तीन आ जाएगा नाउ सेक थीटा क्या होगा जरा बता दो मुझे कौन बताएगा मुझे सेक थीटा क्या होगा आप कहेंगे सर सेक थीटा हो जाएगा पाँच बटा राइट right? प्लस चार इंटू थीटा आधार बटे लंब होगा यानी तीन बटे चार हो जाएगा अपॉन में अगर बात करें फोर टेन ठीटा की तो फोर इंटू फोर बाई थ्री हो जाएगा माइनस फाइव इंटू कॉस्ट ठीटा आधार बटे कर्ण से तीन बटे पांच हो जाएगा राइट अब सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है चार से चार और पांच से पांच को काट दो पांच बटे तीन प्लस तीन करेंगे तो आ जाएगा चौदह बटे तीन और नीचे सोलह है माइनस नौ सात बटे तीन तीन से तीन कट जाएगा चौदह को सात से काटेंगे दो आंसर आ जाएगा बेहद प्यार से बी फॉर बॉम्बे ठीक है बच्चों नेक्स्ट पर आ जाइए कॉस ज़ीरो कॉस थर्टी पैंतालीस साठ और नब्बे बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे मुझे लगता है लेकिन फिर भी आंसर ज़ीरो होगा क्योंकि कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है राइट मैंने याद कराई है पूरी टेबल इज्जत से ए प्लस बी बराबर दिया है हमें पता है रूट थ्री बाई टू साइन में सिक्सटी की वैल्यू होती है सबको पता है और वन बाई रूट थ्री टेन में थर्टी की वैल्यू होती है राइट तो बस टेन से टेन और साइन से साइन को काट दो तो यहाँ पर मिलेगा मुझे ए प्लस बी बराबर सिक्सटी डिग्री और उधर मिलेगा ए माइनस बी बराबर थर्टी डिग्री पूछा क्या है टू ए प्लस बी का मान तो ए का मान निकाल लो पहले जोड़ कर आधा कर दो पैंतालीस आ जाएगा और बी का मान निकालने के लिए घटा के आधा कर दो पंद्रह आ जाएगा क्लियर है बॉयज़ पूछा है टू ए प्लस थ्री बी का मान क्या होगा तो टू इन टू पैंतालीस प्लस थ्री इन टू पंद्रह पैतालीस नब्बे और पंद्रह हो गया एक सौ पैंतीस सॉरी नब्बे और पैंतालीस हो गया एक सौ पैंतीस आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे क्लियर है बात समझ में आ रही है बिड़ू सर यही चैप्टर समझ नहीं आया क्या करूं बाकी सब कंप्लीट है क्या करूं प्लीज बताइए बेटा इस चैप्टर को तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो कर लीजिए मैंने हर एक पैटर्न को कवर किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके okay, ये भी सवाल अच्छा है बनाइए जरा एक्स साइन फोर्टी फाइव बराबर वाई कोसेक थर्टी चाहे तो पलट अलट लो नहीं पलट अलटना तो डायरेक्ट भी कर लो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो एक्स अपन वाई का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से ये यह हो जाएगा कोसेक थर्टी नीचे आ जाएगा साइन फोर्टी फाइव दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे आप बड़े प्यार से तो कोसेक थर्टी दो होता है और साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है तो ये निकल कर आ जाएगा टू रूट टू x अपॉन वाई का मान आ गया टू रूट टू हमसे पूछा है x की पावर फोर अपॉन वाई की पावर फोर का मान क्या होगा तो क्या मैं इसे x अपॉन वाई की होल पावर फोर नहीं लिख सकता और x अपॉन वाई का मान हमने निकाला टू रूट टू तो क्या मैं इसे टू रूट टू का पावर चार नहीं लिख सकता दो की पावर चार होता है सोलह और रूट टू की पावर चार होता है चार तो आंसर कितना आएगा चौंसठ और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी कि ए क्लियर है क्लियर है बच्चा समझ में आ रहा है स्पीड देख रहे हो तो तुम स्पीड ए बाबू मुशाए ए बाबू मुशाए बनाइए अगला प्रश्न आपके सामने है कॉट थीटा की वैल्यू दी है कुसैक् स्क्वायर थीटा माइनस सै स्क्वायर थीटा अपॉन कुसैक् स्क्वायर थीटा प्लस सैक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए बताइए बच्चों ओके बनाइए जरा इस प्रश्न को बच्चों अच्छा चलो मैं बता देता हूं कुछ नहीं करना सबसे आसान तरीका बताता हूँ एक काम करो यहां से सेक स्क्वायर थीटा और यहां से सेक स्क्वा थीटा कॉमन ले लो ले लेंगे बच्चों यहां से सैकस्को थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कुसेक स्क्वाय थीटा पुन सेक स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉट स्क्वायर ठीठा माइनस वन और नीचे से थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन राइट ये मैंने उड़ा दिया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी है रूट सात वर्ग करेंगे तो सात माइनस एक और नीचे सात प्लस एक ऊपर आएगा छः नीचे आएगा आठ काटेंगे तो तीन बटा चार आ जाएगा यानी कि ए आंसर हो जाएगा समझ में आया क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए अगला प्रश्न आपके सामने है कैंची चला लो सबसे आसान है नहीं चला सकते कॉस्टीटा से ऊपर नीचे भाग लगा लो मैं कॉस्टीटा से ऊपर नीचे भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा माइनस वन और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा बराबर में है वन कैची चला दोगे तो टू टेन थीटा माइनस वन बराबर वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा में से टेन थीटा टू टेन थीटा जाएगा तो बचेगा एक टेन थीटा और वन और वन हो जाएगा टू यही पूछा है शायद नहीं अच्छा कॉट थीटा पूछा है तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है यानी कि वन बाई टू यानी कि ए क्लियर है जिन बच्चों को ट्रिको समझ में नहीं आती उन लोगों के साथ समस्या पता है क्या है क्या समस्या है उन लोगों के साथ उनकी समस्या ये है कि या तो उन्होंने मेरी क्लास नहीं ली और अगर ली है तो रिविजन नहीं किया राइट बेटा अभी भी वक्त है एक ही चैप्टर की बात है आराम से जाकर पूरा डिटेल में खोल कर पढ़ा है मैंने और मुझसे ज़्यादा आसान और सरल शब्दों में आपको शायद ही कहीं मिले राइट right? वो बात अलग है कि उन दिनों तो मौज में थे है कि नहीं चलो खैर कोई बात नहीं अगले प्रश्न पर आ जाइए चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों एक ही फॉर्मूले के पार्ट हैं इसलिए आंसर क्या होगा टू बाई थ्री बाकी चाहो तो प्रूफ कर सकते हो दोनों तरफ कॉस इसको लिख सकते हो को ठीठा माइनस साइन को ठीठा इंटू कॉस को ठीटा प्लस साइन को ठीठा जिसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा केवल कॉस स्क्वायर ठीठा माइनस साइन स्क्वायर ठीठा बराबर दो बटे तीन अगेन को ठीठा को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ठीठा और यहाँ पर भी है साइन स्क्ठा बराबर में दो बटा तीन ये हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जिसका मान हमसे पूछा गया है तो कितना आ रहा है दो बटे तीन ही तो आ रहा है सर समझ में आया आपको हैं बात समझ में आई क्लियर है आप कहेंगे जी सर नेक्स्ट पर आइए सागर डिटेल जी सॉरी बेटा पॉसिबल नहीं है है ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को है ना ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों ओके का मान बताइए आपको आपको अगर सात दिया है तो सेक स्क् माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान तो क्या होगा आप कहेंगे सर्वन होगा ये फिक्स है सर्व समीका है ना ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये खत्म ये हो जाएगा टू सेक्वायर ठीटा बराबर आठ तो सैक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा चार तो सैक थीटा बराबर आ जाएगा दो और दो होता है सेक में किसका मान सिक्सटी डिग्री का तो थीटा का मान कितना आ जाएगा सात डिग्री आ जाएगा यानी कि ए समझ में आया आपको ये बात तो गलत है अरे गलत क्या है बेटा आज के टेस्ट में जो सवाल तुम पर नहीं बनेंगे तो फिर तुम उनसे पूछोगे और मैं उस चक्कर में इस क्लास को बर्बाद करूंगा अगर तुम्हें पूछना है तो इस नंबर पर कॉल करो ना दस से ग्यारह के बीच बेटा सुबह दस से ग्यारह के बीच आप इस नंबर पर कॉल करिए मैं अगर फिर बात ना करूँ तब कहना बताइए मैं अगर बात ना करूं तब आप कह सकते हैं मुझसे आप कह रहे हो कि मैं इस क्लास में बता दूं अब कोई और स्टूडेंट होगा जिसको कोई और क्वेश्चन नहीं आया होगा फिर वो करेगा कमेंट है ना और फिर ये सिलसिला आधी अनधिकाल तक चलता रहेगा ऐसे ही जबकि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो ऐसे थे तीन से चार सवाल तो मैंने ऐसे दिए थे जो ऑप्शन से फूटने वाले सवाल थे है ना तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते बेटा आप इस बात को समझिए ना थम जाओ बेटा मिस्टर लालो लालो जाट थम जाओ मेरी जान है? ऐसे करोगे कैसे कैसे करते हो बेटा चलिए बनाइए जरा इस प्रश्न को हाँ चलिए साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा को ले आओ तो हो गया टेन थीटा बराबर में आ जाएगा चार नीचे मान लो एक इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये लंब है और ये आधार है तो कर्ण क्या होगा चार का वर्ग प्लस एक का वर्ग यानी कि अंडर रूट सत्रह ठीक है साइन थीटा इन टू का मान निकालना है साइन थीटा क्या होगा चार बटे अंडर रूट सत्रह और कॉस थीटा एक बटे अंडर रूट सत्रह अल्टीमेटली गुणा करोगे चार बटे सत्रह आ जाएगा यानी कि सी विल बी द राइट आंसर समझे नेक्स्ट हाँ इसे कोई बना के दिखाए तो जाने <laughs> लालो को नागमणि चाहिए ए लालो लालो ए लालो लालो नागमणि डू यू वॉन्ट नागमणि बेटा ए मेरे बच्चे डू यू वॉन्ट नागमणि? चलिए ये है हमारा एक ट्राइंगल ठीक है इस ट्राइंगल में ये ए मान लेते हैं ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं क्यों इसे सी माना क्योंकि सी नब्बे डिग्री है ये नब्बे डिग्री है राइट ए बी सी के बराबर है ये सी के बराबर है बी सी ए के बराबर है ये ए के बराबर है और सी ए बी के बराबर है सी ए बी के बराबर है ठीक कोसेक बी माइनस कोसे का मान पूछा है ओके कोसेक बी का मान क्या होगा कोई बता सकता है आप कहेंगे सर एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये लंब ये आधार और ये कर्ण ठीक है कोसेक होता है कर्ण बटे लंब कर्ण कितना है सी और लंब कितना है बी कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए नाउ बात करते हैं बेटा कॉस ए की अब एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं यह वाला एंगल और इस वाले एंगल के लिए यह लंब होगा और यह आधार होगा राइट तो इस केस में थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है लेकिन आधार यह है आधार ये है और यह कर्ण है तो क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर बी अपॉन सी आ जाएगा हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो सी अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी सी स्क्वायर सी अपॉन बी हां कर सकते हैं क्या आ जाएगा यह आ जाएगा सी अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी एलसीएम लो तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी राइट अच्छा सी स्क्वायर में से बी स्क्र को माइनस करोगे तो क्या आएगा आप कहेंगे सर पाइथागोरस से ए स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी आपका आंसर आ जाएगा यानी कि सी मज़ा आया जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली थी ना वो इन सवालों को बड़े प्यार से फोड़ रहे होंगे और जो नए आए हैं ना यहाँ कि सर कुछ नहीं हो रहा एक जड़ी बूटी दे दो सर कोई चूरन दे दो चाटने के लिए एग्जाम जिससे निकल जाए सर हमारा ऐसा नहीं होता बेटा है ना जिनमें मेहनत की है वो इसके हकदार हैं बनाइए बनाइए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है हिट एंड ट्रायल का यूज़ करो और उड़ा दो सवाल को नर्वस होने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है बेटा यहां पर हम एनालिसिस करने आए अपनी या सीखने आए पहले तो मुझे ये बताओ किस भाव से आप आए हो इस क्लास में आज हम लोग आखिरी क्लास में है चूरन दूंगा मैं तो मैं, मैं दूंगा चूरन बारह तारीख को शाम पाँच बजे ठीक है आप सभी लोग आइएगा बारह तारीख को शाम पाँच बजे आपको चूरन चाटने के लिए दिया जाएगा और विश्वास मानिए चूरन कोई नॉर्मल चूरन नहीं होगा ये शानदार चूरण होगा फॉर्मूला रिविजन का चूरन ठीक है चलिए स्टार्ट करें ओके साइन थीटा माइनस थीटा जीरो के बराबर है यानी कि साइन थीटा बराबर किसके है हैं थीटा के हैं और ये दोनों बराबर बच्चा बच्चा जानता है कब होते हैं जब थीटा का मान पैंतालीस डिग्री होता है तो हमसे पूछा है साइन की पावर फोर थीटा यानी कि वन अपॉन रूट टू की पावर फोर का वैल्यू प्लस वन अपॉन रूट टू की पावर फोर का वैल्यू ये हो जाएगा एक बटे चार और ये भी हो जाएगा एक बटे चार अल्टीमेटली दो बटे चार यानी एक बटे दो आंसर आ जाएगा आपका सी क्लियर हुआ बच्चों बात समझ में आया लीजिए एक और फिर इसी बात पर हाँ भाई उड़ाइए जल्दी से एक बच्चा बोला मुझे चौदह को दे देना सर एक्स्ट्रा चूरन हाँ सही है बेटा सही है सही है बेटा सही है चलिए स्टार्ट किया जाए टेन थीटा और थीटा देखो टेन थीटा माइनस थीटा बराबर जीरो है और ये केवल तभी हो सकता है जब टेन टीटा थीटा के बराबर हो और ये दोनों बराबर केवल और केवल एक ही कंडीशन में होते हैं जब थीटा का मान क्या हो 45 पता लगे थीटा का मान रख दो यहाँ पर ये यह हो जाएगा टेन साठ और ये हो जाएगा टेन तीस। टेन साठ का मान सर रूट थ्री होता है टेन तीस का मान वन अपॉन रूट थ्री होता है तो रूट थ्री ऊपर जाएगा थ्री आंसर आ जाएगा नेक्स्ट पर आइए सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान हमेशा एक होगा अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो ठीक है सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी वन के बराबर होता है ठीक है गौर से देखिए चौबीस और छियासठ नब्बे होते हैं तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा वन इस पूरे का मान भी क्या आ जाएगा वन अच्छा यहाँ देखो गौर से कॉस सिक्सटी वन है और ये साइन ट्वेंटी नाइन है साइन ट्वेंटी नाइन को मैं कॉस सिक्सटी वन लिख सकता हूँ आप कहेंगे जी ये भी कॉस सिक्सटी वन है तो हो गया कॉस स्क्वायर सिक्सटी वन और ये साइन स्क्वायर सिक्सटी वन इस पूरे की वैल्यू भी क्या गई वन तो ये वन ये वन अपॉन वन यानी अल्टीमेटली क्या हो गया वन प्लस वन यानी कि टू और यही सवाल का आंसर होगा सवाल केवल देखने में ही खौफनाक और डरावना था विश्वास मानिए सवाल में कुछ भी नहीं था एक बार अगर दिल को राहत मिल रही है सुकून मिल रहा है क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है तो बेचों मेरे प्यारे प्यारे बाद सेशन को शेयर करने में तुम लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्या इतने ही बच्चे हैं वाई ग्रुप वाले क्या इतने ही लापरवाह हैं आप एग्जाम से ठीक पहले जो आपके लिए मेहनत यहां पर की जा रही है उसकी उसकी कोई कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है। वैल्यू क्या लगता है आपको क्या इसी तरह आप अपने मां बापू का सर गर्व से ऊंचा करेंगे क्या इसी तरह उनसे किया गया वादा आप निभाएंगे पेपर से दो दिन पहले टीम यहां पर खड़ी है उसको कोई टेंशन नहीं है और आप, आपकी लापरवाही खत्म नहीं होती है जी अगर मैं आपको खुला छोड़ दूँ ना मैथ्स का रिविजन करने के लिए आपको समझ नहीं आएगा कुछ क्या करना है कहाँ से करना है कैसे करना है इसीलिए टीम आपके लिए यहाँ पर मेहनत करती है पेपर से पेपर के दिन तक मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए आप समझो इस चीज़ को है ना तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी दिलों की बारिश नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल भी साइन सेवन एक्स बराबर कॉस एलेवन एक्स है साइन और कॉस बराबर कब होते हैं जब दोनों के एंगल्स का सम जो होता है वो नब्बे डिग्री होता है तो भैया हम कह सकते हैं अठारह एक्स का मान नब्बे के बराबर है तो भैया एक्स का मान हम कह सकते हैं 5 डिग्री रहा होगा तो ये टेन पैंतालीस ये कॉट पैंतालीस ये भी वन ये भी वन आंसर इज टू नेक्स्ट पर आओ बनाइए फोर्टी टू नंबर का क्वेश्चन है बच्चों अच्छा सी एन डी पता है कितने लोगों को पता है सी एन डी एक बार कमेंट करके बताएंगे पता है ना सी एन डी क्या होता है योगांतरानुपात जिसे कहते हैं बेटा एलजेबरा से क्वेश्चन नहीं आते विश्वजीत एयरफोर्स में टेन थीटा प्लस साइन थीटा एक काम करो दोनों तरफ सी अप्लाई कर दो योगांतर अनुपात तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा के अपॉन वन ठीक है नाउ वॉट इसे लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा बराबर में क्या है के अपॉन वन नाउ वॉट साइन थीटा से साइन थीटा को निपटाओ वन अपॉन कॉस थीटा बराबर में आ जाएगा के तो के बराबर कितना आ जाएगा सेक थीटा पूछा क्या है के का मान तो आंसर आ गया थीटा लपक के बोलो तारा रारा सर जी सर जी मजा आ भी गयो सर जी अरे सर जी दिल खुश कर दिता ये तो सर याद कर लिया हूँ क्या बात है वैल्यू पुट करने में इजी आएगा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा आपकी इच्छा है आपकी श्रद्धा है आपकी सब्री है जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं बच्चों मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरी जान जैसे तुम्हें करना है वैसे कर लो है, 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 है। चलिए बनाइए जरा जल्दी से अच्छा लपेट दिया तुमने क्या बात है बहुत ही बढ़िया उड़ाइए ओके दोनों पक्षों का एक काम करिए वर्क क्योंकि वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा यहां दोनों पक्षों का मैं कर रहा हूं वर्क ठीक है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर में तीन तिया हो जाएगा नो ठीक है प्लस में यहां हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स सॉरी टू सेक एक्स टेन एक्स टू सेक एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स बराबर में है नो यही कहानी है आप कहेंगे जी अरे यार टेन एक्स कहाँ था यार ये है सेक स्क्वायर एक्स दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ मैं इस तरफ का भी और इस तरफ का भी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक एक्स कॉस एक्स बराबर में तीन का वर्ग नो ध्यान से देखोगे सेक एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा केवल दो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर सेक्स स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कॉस्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस में है टू बराबर में है नो हमसे पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान तो टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को साथ में रखिए वन और वन हुआ टू और टू टू हुआ फोर फोर गया नौ में से आया पाँच यही पूछा था बोलो हां आप कहेंगे जी आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्या बात समझ में आई लाडलो आई तो इस सवाल को बना दीजिए जल्दी से फोड़ दीजिए फोड़ दीजिए देव्य सज्जनों डेढ़ सौ रुपया मिलेगा बनाइए ये एक आइडेंटिटी है बच्चों जब ए साइन थीटा प्लस बी थीटा का मान कुछ दिया जाता है या ए दिया जाता है ए साइन थीटा प्लस बी थीटा का मान सी के बराबर दिया जाता है तो ए साइन थीटा माइनस बी थीटा का मान क्या होता है वो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ये सी है यानी कि ए का मान वन है बी का मान भी वन है सी का मान है सात बटा तेरह और हमें पता है कि साइन थीटा प्लस थीटा का मान क्या होगा आप कहेंगे सर अंडरवुड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा बोलो हाँ या ना आप कहेंगे जी सर सॉल्व कर लेते हैं अंडरवुड के अंदर ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन वन का स्क्वायर वन माइनस सात बटे तेरह का वर्क करेंगे उनचास बटे वन सिक्सटी नाइन ना आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर दो माइनस उनचास बटे वन सिक्सटी नाइन आ जाएगा सॉल्व करिए एलसीएम लेकर अंडर रूट के अंदर आएगा टू एटी नाइन अपॉन वन सिक्सटी नाइन टू एटी नाइन होता है सत्रह का बचो वन सिक्सटी नाइन होता है तेरह का बचो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ठीक है लाड लो है जी हिट एंड ट्रायल से बना लो हिट एंड ट्रायल से तुम में दम हो तो तुम्हारे अंदर अगर दम है तो बना लो रूट कहाँ से अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप ये ट्रिक बताई है मैंने इज्जतदार लोग हो तो इज्जतदार तरीकों से करोगे ना तो हो गया तुम्हारा काम इस सवाल में पहले आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा फिर इसे साइन टीटा और कॉस्टीटा के प्लस के रूप में व्यक्त करना होगा फिर कंपेरिजन करने होंगे उसके बाद आपको साइन टीटा प्लस कॉस्टिटा की वैल्यू मिलेगी और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी आई कांट से एनी अबाउट दिस बनाइए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने ए और बी कॉस अल्फा पोन कॉस बीटा और साइन अल्फा अल्फापोन साइन बीटा लगाओ जरा हिट एंड ट्रायल देखें कितने हिट एंड ट्रायल लगैया हो तुम लोग जो आपका मन करे वो वैल्यू आप ले सकते हैं यहां पर जो आपकी श्रद्धा हो आज कितनी सच में मुंह में आ गए <laughs> सर जी कॉल कर सकते हैं हाँ बेटा कर सकते हो विश्वेंद्र बिल्कुल कर सकते हो सुबह दस से ग्यारह के बीच में आप कॉल कीजिए इस नंबर पर मैं आपसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ बेटा बिल्कुल इंतजार करूंगा मैं पनघट पर आस लगा के बेटा चलिए नेक्स्ट करिए नेक्स्ट एक काम करते हैं अल्फा को 90 और बीटा को अल्फा को 90 और बीटा को मान लीजिए 45 ठीक है आप कहेंगे जी सर तो ए का मान कितना आ जाएगा रख दो यहां पर जीरो आ जाएगा ए का मान और बी का मान क्या आ जाएगा आ, बी का मान आ जाएगा साइन अल्फा की जगह 91 वन और 45 फाइव टू यानी कि ये आ रूट टू राइट अब चेक करो साइन स्कवाइन स्क्वायर फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव होता है वन बाई रूट टू वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा यानी जो भी आंसर होगा उसमें ए और बी के मान रखने पर वन बाई टू आना चाहिए राइट right? तो हमको पता है इसलिए मैं तो डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा एक ही जगह रखेंगे हम यहाँ पर जीरो ये भी जीरो तो ये एक हो गया और बी की जगह रूट टू रख दिया तो ये हो जाएगा माइनस का एक बटे बी की जगह रूट टू रखेंगे रूट टू का वर्क करेंगे तो माइनस का दो हो जाएगा एक जी माइनस से माइनस कटेगा एक बटे दो आ जाएगा तो केवल सी है ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसा करने पर आपको वन बाई टू मिल रहा है आप कोई भी मान ले सकते हैं यहाँ पर जो आपका मन करे ये मत सोचना कि नब्बे और पैंतालीस ही क्यों लिया आप तीस साठ भी ले सकते हैं लेकिन उससे कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी सबसे इजी कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी बच्चों और ऐसे प्रकार के सवालों में आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए बच्चों यहां से शुरू होता है हमारा मंचुरेशन यहां से शुरुआत होती है हमारे मंचुरेशन की बेटा चलिए स्टार्ट करिए और आंसर करिए मंचुरेशन का बिटा मंचुरेशन मंचुरेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है सर ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री से एक्स ग्रुप में तो सारे ही मिलते हैं कई सारे मिलते हैं लेकिन वाई ग्रुप में रागा के सेक्शन में आपको एक से दो सवाल मिलते हैं ठीक है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें पता है वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा अंडर रूट टू होता है लेकिन हमें दिया गया है पंद्रह अंडर रूट टू राइट अंडर रूट टू से अंडर रूट टू को काट दो तो भुजा आ जाएगी पंद्रह अगर भुजा पंद्रह है तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी वर्ग का आप कहेंगे भुजा का वर्ग होता है सर ए का वर्ग होता है सर पंद्रह का वर्ग होता है सर तो पंद्रह का वर्ग क्या होगा आप कहेंगे सर दो सौ पच्चीस और यही इस प्रश्न का आंसर होगा यानी कि डीफॉट दिल्ली। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट पर आइए बनाइए इस सवाल को बच्चो कहना एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का डबल है तो इनके क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात होगा ध्यान से सुनिए जो वर्ग के विकर्णों का अनुपात होता है आपको मालूम होना चाहिए कि वही भुजाओं का भी अनुपात होता है खैर एक वर्ग का विकर्ण जो है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण का क्या है डबल है ठीक है हमें पता है पहले वर्ग का विकर्ण होगा पहले वर्ग की भुजा अंडर वर्ग का विकर्ण होगा दूसरे वर्ग की भुजा अंडर बेटा जी अंडर टू से अंडरू टू को काटोगे तो पहले और दूसरे वर्ग की भुजाओं का जो अनुपात आ जाएगा वो दो अनुपात एक आ जाएगा ठीक है अगर भुजाओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो हमें पता होना चाहिए कि, कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है यानी कि ए वन अपॉन ए टू का वर्ग जो भी होगा वही क्षेत्रफलों का अनुपात होगा जो कि चार बटा एक आएगा यानी कि बी फॉर बॉम्बे समझ में आया मालक बोलो मालक ए बोलक बोलक बात समझ में आया चलिए नेक्स्ट पर आ जाएंगे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने मैंसुरेशन से सवाल आते हैं मैं फिर कह रहा हूं लापरवाही मत करो मैंसुरेशन से सवाल आते हैं प्रभु इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है ठीक है एक एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाद में मत कहना एक से दो सवाल मिलते हैं मैंसूरेशन के और बच्चे अक्सर इन्हें छोड़ते ही है क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं होते बिना फॉर्मूले के आप बना ही नहीं सकते भैया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम इनमें तो आप दिमाग चलाकर थोड़ा जोर डालकर कर सकते हो सवालों को लेकिन बेटा जी अगर आपके सामने मैंसूरेशन का सवाल आता है और आपको फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा नहीं पता फिर तुम उसे कर ही नहीं पाओगे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा और मैं जो कलेक्शन लाया हूँ ना केवल इन सवाल को लगा के चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हें तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है समझ रहे एक सौ बीस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा देखो ये हमारा वर्ग है ठीक है इसके अंदर हम एक वृत्त बना रहे हैं इसके अंदर बड़े से बड़ा ऐसी तो होगा बताओ इस वर्ग का व्यास क्या होगा आप कहेंगे इस वर्ग का जो भी व्यास होगा ना वो हमारे वर्ग की भुजा के बराबर होगा हमारे वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आप कहेंगे सर 120 सेंटीमीटर तो इसका व्यास भी क्या होगा 120 सेंटीमीटर होगा तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर त्रिज्या होगी 60 क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या राइट तो बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा हमारे वृत्त का तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है तो रख दो यहाँ पर आर का मान साठ तो हो जाएगा छत्तीस पाई और यही सवाल का आंसर होगा यानी कि ए समझ में आया आपको नेक्स्ट पर आ जाइए एक वर्ग के अंत्यवत का क्षेत्रफल दिया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है स्क्वायर का एरिया अगर निकालना है तो आपके पास उस स्क्वायर का साइड होना चाहिए जिसका वर्ग करके आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ठीक है अंत्यव्रत का क्षेत्रफल अभी निकालकर बताया था पाई पाईआर स्क्वायर होता है तो बड़े प्यार से पाई पाईआर स्क्वायर का मान रख दीजिए आप कितना आप कहेंगे नौ पाई यहां पर मैं पाई से पाई को उड़ा देता हूं तो त्रिज्या आ जाएगी तीन अगर हमारे व्रत की त्रिज्या तीन है तो व्यास कितना होगा आप कहेंगे छः होगा त्रिज्या का डबल अगर व्यास छ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वर्ग की भुजा भी छ ही होगी क्योंकि अगर आप अंदर एक व्रत बना रहे हैं वर्ग के तो जो भी व्रत का व्यास होगा वही हमारे वर्ग की भुजा होगी राइट तो वर्ग की भुजा अगर छः है तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या क्या होगा बच्चों छः का वर्ग होगा यानी कि छत्तीस होगा कह दो हाउ सर जी बोलो बात समझ में आई लाड लो आप कहेंगे जी सरकार अगले पर आ जाइए इसी बात पर हम्म नेक्स्ट पर आइए लो जी आयात का सवाल है एक आयताकार मैदान की लंबाई दी है विकर्ण दिया है क्षेत्रफल क्या होगा हमें पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है ध्यान से सुनिएगा आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का जो विकर्ण होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है हमें कितना दिया है विकर्ण आप कहेंगे सौ बराबर में अंडरवूड के अंदर एल का वर्ग यानी कि अस्सी का वर्ग प्लस में बी का वर्ग ये हो जाएगा दस हज़ार माइनस करेंगे चौंसठ सौ छत्तीस सौ आएगा तो बी का मान आ जाएगा साठ बी का मान आ गया साठ सेंटीमीटर रख दो यहां पर लंबाई है अस्सी चौड़ाई है साठ क्षेत्रफल कितना आएगा अड़तालीस सौ और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समझ में आया लाड लो पचास क्वेश्चन का पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं हम बधाई हो जी बधाई हो कंग्रेचुलेषन बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन केवल इन क्वेश्चन को करके चले जाओ तुमसे मैं अलग से कुछ भी करने की नहीं बोलूंगा केवल यही क्वेश्चन करके चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में मैं बोल रहा हूं अभिषेक जी बोलते हैं ऐसे याद रखना तुम तो बस ठीक है जी अरे बोलिए चलिए एक आयत की लंबाई को 60 परसेंट बढ़ाया तो चौड़ाई को डेफिनेटली कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे हमें पता होना चाहिए कि, कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो लंबाई गुड़ चौड़ाई के बराबर होता है अगर आप चाहते हो कि आपका क्षेत्रफल कभी ना बदले और आप लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा सर जी लंबाई को क्या किया है साठ परसेंट बढ़ाया है साठ परसेंट का मतलब पाँच से आठ कर दिया है तो अब आपको अपनी चौड़ाई को क्या करना होगा सर आठ से पाँच करना होगा यानी कि सर चौड़ाई को अब हमें तीन कम करना होगा कितने से आठ से इंटू कर दो हंड्रेड का परसेंटेज में निकालने के लिए आंसर आ जाएगा साढ़े सैंतीस परसेंट क्लियर हुआ बात समझ में आई कह दो हाँ अरे सर दिल को राहत मिली और चैन भी मिला ये हुई ना बात बेटा बनाने वाले जो बच्चे हैं ना वो बनाएंगे एग्जाम में फोड़ेंगे फोड़ेंगे अच्छे लेवल पर फोड़ेंगे और जो रोएंगे वो रोते रहेंगे आपको जिस लेवल पर तैयार किया गया है मेरी ओर से या टीम की ओर से आप निश्चिंत रहिए जो पढ़ाया गया उससे एक चीज बाहर नहीं होगी अपने ऊपर भरोसा रखो बेटा अपने ऊपर वो काबिलियत जिसकी ज़रूरत एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए होती है वो आपको मिल चुकी है राइट चलिए किसी आयत की लंबाई को डबल कर दिया है और चौड़ाई को चार गुना कर दिया है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी अभी बताया था मैंने क्षेत्रफल होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई के बराबर आपने क्या किया लंबाई को डबल कर दिया दो एल कर दिया और चौड़ाई को चौड़ाई को चार गुना कर दिया चार बी कर दिया तो अब क्षेत्रफल क्या होगा आठ इंटू एल इंटू बी नहीं होगा पहले था एल बी अब हो गया आठ एल बी यानी कितना बढ़ गया पहले से सर सात एल बी बढ़ गया कितने से बढ़ गया सर एल बी से इन कर दो हंड्रेड का एल बी से एल बी कट जाएगा कितना आ जाएगा सात सौ परसेंट नहीं आएगा क्या यानी कि सात सौ परसेंट की वृद्धि हो जाएगी सर क्षेत्रफल में ये होता है सबसे बेस्ट तरीका ऐसे सवालों को बनाने का समझ में आ रहा है बात नेक्स्ट पर आइए हा ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई जबरदस्त लोगों के लिए जबरदस्त प्रश्न का संग्रह है बनाइए बच्चों एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दे रखी है क्षेत्र के बीचों बीच पांच मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई व चौड़ाई के अनदिश बनाया गया है क्रॉस पाथ बनाया है बेटा कितने लोगों को इसको करने का तरीका याद है सही सही बता देना वरना पाप लग जाएगा पाप लगेगा भाई साहब सही बोल रहे हैं क्या आपको ये बात नहीं याद इसके तीन केस कराए थे याद करो आज से 300 साल पहले 300 साल पहले आज से क्या हुआ करता था सर जी वही वही सही सुन रहे हैं आप वही जब भी किसी आयताकार क्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई के अनुदेश इस तरह से कोई रास्ता बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई सवाल में आपको दी जाती है आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई भी दी होती है तो उसका क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया आप कैसे निकालते हैं तो इस एरिया की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये एरिया होता है सर एल इंटू सॉरी एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स यही होता है बस खत्म सवाल x की जगह पाँच रख दो l प्लस बी की जगह पच्चीस प्लस पंद्रह रख दो माइनस में पाँच रख दो पच्चीस और पंद्रह चालीस माइनस पाँच करेंगे पैंतीस पैंतीस पंजे पैंतीस पंजे कितना हो जाएगा आप क... नहीं, नहीं 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 अच्छा ये तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा है जी सही है ना एक सौ मीटर स्क्वायर ये तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आया उसने रास्ते का नहीं पूछा शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है उसने पूछा है ये वाला एरिया कितना होगा भाई साहब तो एक काम करो पूरे एरिया में से रास्ते के क्षेत्र को हटा दो रास्ते के क्षेत्र को हटा दो सर पूरे में से पूरे का एरिया क्या होगा सर लंबाई गुड़ी चौड़ाई यानी कि 25 गुणा पंद्रह माइनस कर दो 175 को बस पंद्रह पांच पिछहतर और पंद्रह दूनी तीस सौ सात सैंतीस तीन सौ पिछहत्तर माइनस एक सौ पिछहतर करेंगे बड़े प्यार से आंसर आएगा दो सौ और यही हमसे पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा क्लियर हो गया पूरे एरिया में से हमने रास्ते के क्षेत्र को हटा दिया तो बीच का क्षेत्र बच गया जो हमसे पूछा गया था मेरी जान नेक्स्ट पर आ जाइए एक संवाहू त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है आप सभी को मालूम होना चाहिए कि, कि किसी भी इक्वेलिटल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है लेकिन सवाल में दिया है थ्री अंडर रूट थ्री राइट तो बड़े प्यार से हम अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री को उड़ाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बारह पूछा है उसकी भुजा अंडर रूट बारह आ जाएगी यानी चार तीन या बारह यानी दो अंडर रूट तीन आ जाएगी यानी कि सी आ जाएगा ए का मान यही तो पूछा है केवल भुजा ही तो पूछी थी बस नेक्स्ट पर आइए आपसे कह रहे हैं कि एक सम्रभा त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से एक की लंबाई तीस है तथा विषम भुजा की माप बीस है एक समवाहू त्रिभुज है लाइक दिस इस संवाहू त्रिभुज की जो समान भुझा है उनमें से एक तीस की है तो ये भी तीस की होगी और जो विषम भुजा है वो बीस की है आपसे कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल बता दो तो पहले ऐस का मान निकाल लो कैसे तीस प्लस तीस साठ प्लस बीस अस्सी बटे दो तो ये कितना आ जाएगा चालीस फिर लगाओ हेरोइन फॉर्मूला हेरन फार्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर एस यानी कि चालीस एस माइनस ए दस एस माइनस बी दस एस माइनस सी बीस तो ये आ जाएगा दो सौ अंडरवूट टू यानी कि ए और डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला भी बता रखा है मैंने चाहे तो इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं आप वो आपको फार्मूला रिवीजन की क्लास में भी पता चल जाएगा बच्चों नेक्स्ट इसी संवाहू त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो फोर बाई रूट थ्री दे रखी है आपको राइट right? इसके परिवृत और अंत्यव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो बेटा आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि किसी भी संवाहु त्रिभुज के परिव्रत यानी कि सरकम सर्कल और अंतर्व्रत यानी कि इन सर्कल के एरियाज का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है फोर रेशो वन त्रिज्याओं की अगर बात करें तो टू रेशो वन होता है ये होता है रेडियस का यानी कि त्रिज्या का अनुपात होता है और ये होता है एरिया का ये फिक्स्ड है पहले से ठीक है याद रखिए इसे नेक्स्ट पर आइए हम्म आपसे कहा जा रहा है कि x सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक संवाहु त्रिभुज हमारे हिसाब से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ये हमें दिया है एक्स के बराबर और वाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग वाई सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल वाला वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग बराबर वाई वर्ग के परिमाप बराबर है अच्छा परिमाप बराबर दे हैं राइट तो इसको ए वन ले लो इसको ए टू ले लो तो एक सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले ओके तो ये हो जाएगा 3a1 हमारे त्रिभुज का परिमाप और 4a2 हमारे वर्ग का परिमाप तो यहाँ से मैं a1 वन अपॉन ए यानी कि त्रिभुज की, की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात निकाल सकता हूँ चार बटे तीन आ जाएगा ठीक है बच्चों, आप कहेंगे जी अब ज़रा गौर से देखिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि का मान चार है और बी का मान तीन है या का मान चार है और दूसरे वर्ग की भुजा तीन है तो यहाँ ज़रा गौर से देखिए चार का वर्ग बटे चार काटेंगे तो चार अंडर रूट तीन आ जाएगा ये और ये कितना आएगा तीन का वर्ग नौ आएगा सर ये चार ये नौ ज़रा बताओ कौन बड़ा है आप कहेंगे सर बड़ा है बड़ा है बड़ा है वाय हमेशा एक से बड़ा होगा क्लियर है बोलिए भारत माता की जय क्या बात है भाई बहुत ही शानदार लो जी एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दे रखी हैं दस चौबीस छब्बीस देखकर मन में लड्डू फूटा आप कहेंगे जी सर ये दस है ये चौबीस है ये छब्बीस है आप चाहो तो इसे चौबीस और इसे दस ले सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट आपसे पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्ष लम्ब की लंबाई सबसे छोटा शीर्ष लम्ब ये होगा आपसे इसी की लंबाई पूछिए एल कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा ये त्रिभुज कैसा है सर रेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के, के केस में अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो आपको क्या करना चाहिए लंब गुणा आधार बटे कर्ण कर देना चाहिए बस तो लंब है आपका दस आधार है चौबीस बटे कर्ण है छब्बीस राइट right, आप कहेंगे जी सर सॉल्व कर लीजिए नौ से ही तीन बटे तेरा आपका आंसर आ जाएगा यानी कि बीफ और बॉम्बे समझ में आया प्यार मोहब्बत से सारी बातें हमें समझ में आ गई सर नेक्स्ट पर आएंगे किसी समकोण समु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है समकोण समे यानी कि राइट एंगल आइसोसलिस्ट्रा एंगल का पैरीमीटर आपको दे रखा है आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जो राइट एंगल भी हो और समय भी हो यानी अगर ये है, तो ये भी ए होनी चाहिए और ये नब्बे होना चाहिए तो ये बी हो जाएगा ठीक है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी ध्यान से सुनिएगा बच्चों हमारे हिसाब से होगा टू ए प्लस बी होगा परिमाप इन्होंने दिया है कितना फोर अंडरू टू प्लस फोर राइट जरा इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करू राइट तो क्या मैं इसे टू रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस फोर लिख सकता हूँ हाँ जी सर तभी तो टू इंटू टू रूट टू लिख सकता हूँ मैं इसे आप गौर से देखिए एक अमान क्या होगा टू रूट टू होगा सर यानी कि ये टू रूट टू होगा ये भी टू रूट टू होगा और ये फोर होगा तभी तो सबको टोटल करने पर फोर रूट टू प्लस फोर आएगा यानी कि कर्ण की लंबाई वास्तव में क्या रही होगी चार और यही इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों सबसे बेस्ट तरीका बताया इस प्रश्न को बनाने का उस सम्वाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है उसके परिव्रत की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी ये पूछा जा रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिव्रत यानी बाहर बनने वाले व्रत का जो त्रिज्या होता है वो ए अपॉन रूट थ्री होता है और अंदर बनने वाले का ए अपॉन टू रूट थ्री होता है ए का मान आपको दे रखा है बच्चों प्यार मोहब्बत से सिक्स रूट थ्री यानी हमारे संवाहू त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी सिक्स रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री काट देंगे तो आंसर आ जाएगा प्यार मोहब्बत से सिक्स और यही इस प्रश्न का आंसर होगा यानी कि बी फॉर बॉम्बे बोलो बात समझ में आई बच्चों नेक्स्ट पर आ जाएंगे अगला प्रश्न भारत माता की जय किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो सबसे पहले तो तीन चार पाँच को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है ये तीन एक्स है ये चार एक्स है और ये पाँच एक्स है तो इसका क्षेत्रफल हमारे हिसाब से होगा एक बटे दो आधार गुड़ित ऊँचाई यानी कि तीन एक्स इन चार एक्स हमें दिया गया है दो सौ सोलह पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं भूला दो से दो दूनी चार तीन दुनी छः छः से काटेंगे छती अठारह छः छः छत्तीस यानी एक्स का मान आ जाएगा छः अगर एक्स का मान छः है तो ये हो जाएगा अठारह ये हो जाएगा चौबीस और ये हो जाएगा तीस ठीक है अब बताइए इसका परिमाप क्या होगा तो तीनों को जोड़ दो बस तीनों को जोड़ दो प्यार मोहब्बत से बेटा तीनों को जोड़ेंगे आप आंसर आ जाएगा बहत्तर सेंटीमीटर समझ में आया तीस और चौबीस चौवन और सोलह सत्तर और दो बहत्तर सही है नेक्स्ट पर आइए। बनाइए बच्चों। एक घनाकार कमरे की माप दे रखी है आपको बीस मीटर इसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई ध्यान रखिए किसी भी कमरे में चाहे वो घनाकार हो चाहे वो घनाफ के आकार का हो दोनों ही के अंदर जो बड़े से बड़े साइज के बांस की बात करता है या छड़ की बात करता है तो समझ जाइएगा कि हमेशा वो डायगेनल की बात कर रहा है राइट डायगनल का मतलब होता है विकर्ण की बात कर रहा है ठीक तो हमें पता है घन का विकर्ण क्या होता है भुजा अंडर रूट थ्री होता है एक का मान है बीस तो बीस अंडर रूट थ्री आपका आंसर आ जाएगा यानी कि थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर अच्छा कुछ कहेंगे कि सर ये कैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अंडर रूट थ्री का मान होता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू लगाओ गुणा 34.64 आपको मिल जाएगा बेहद प्यार से ठीक है नेक्स्ट पर आइए एक घनाव की माप दे रखी है, इसमें चार मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताइए यानी एक घनाव साइज का क्यूबॉइडल शेप का एक बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको इसमें चार मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या आपको निकालनी है तो बड़े प्यार से आप लोग निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत या समस्या वाली बात नहीं है हमेशा याद रखना चीज़ों की संख्या निकालनी है ना तो हमेशा बड़े आयतन में छोटे का भाग लगा दो बड़ा आयतन यानी कि बड़े घन का आयतन वो होगा लंबाई गुड़ित चौड़ाई गुड़ित तो ऊंचाई और नीचे रख दो छोटे घन का आयतन जो कि है चार गुणा चार गुणा चार काट लीजिए चार से चार पंजे बीस चार से चार दुनी आठ दो से दो दूनी चार और दो पंजे दस दो से ये खत्म पांच पंजे आ जाएगा पच्चीस यानी पच्चीस डिब्बे रखे जा सकते हैं बड़े प्यार से आपका आंसर आ गया बचो नेक्स्ट पर आइए कह रहे दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है भुजाओं का क्या होगा याद रखना घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है या मैं कहूं भुजा के क्यूब के समानुपाती होता है यानी कि हमें जो आयतन दिया है वास्तव में वो a1 वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू आपको दी है कितनी दी है बच्चों आप कहेंगे सर सत्ताईस बटा एक तो भुजा का अनुपात क्या होगा भुजा का अनुपात होगा घनमूल निकाल लीजिए तीन बटा एक आ जाएगा सर यानी कि ए यहीं पर अगर क्षेत्रफल का पूछता तो नौ बटा एक आ जाता भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है धातु के तीन ठोस घन हैं जिन्हें पिघलाकर आपने एक नया बड़ा घन बनाया है तो उस बड़े नए घन की भुजा बताओ याद रखो जब भी चीज़ों को मेल्ट करके कोई दूसरे रूप में ढाला जाता है कास्ट किया जाता है मोल्ड किया जाता है तो हमेशा आयतन नहीं बदलता अगर आपने तीन ठोस घनों को पिघला एक बड़ा घन बनाया है तो इन तीनों घनों का जो टोटल आयतन होगा वो हमारे बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा पहले वाले का क्या होगा छः का क्यूब दूसरे वाले का क्या होगा आठ का क्यूब तीसरे वाले का क्या होगा दस का क्यूब बराबर होगा हमारे बड़े घन की भुजा के क्यूब के ठीक है क्योंकि आयतन भुजा का क्यूब होता है बात समझ में आई बच्चों आप कहेंगे जी सर ये हो जाएगा 216 सो ये हो जाएगा 512 ये हो जाएगा 1000 बराबर में आ गया एक का क्यूब सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 1728 बराबर एक का क्यूब और 1728 होता है 12 का क्यूब बराबर ए का क्यूब क्यूब से क्यूब कट जाएगा ए का मान आ जाएगा बारह यानी कि डी फॉर डेहली समझ में आया आपको क्लियर हुआ बच्चों क्या बात क्या बात सर जी क्या बात सर जी वाह जी वाह सर जी मजे ही आ गया सर जी अगले पर आइए सेम पैटर्न पर बेटा डिक्टो सेम पैटर्न पर इस बार हुआ है तीन घनों की बुझाएं आपको दे इन्हें गलाकर एक नया घन बनाया है जिसका विकर्ण आपको दिया है बताओ घन का विकर्ण अगर बारह अंडर रूट तीन है तो घन की भुजा क्या बारह नहीं होगी क्योंकि हमें पता है घन की घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा अंडर रूट थ्री होता है यानी भुजा बारह है ठीक है भुजा अगर बारह है और ये तीन घन है जिनकी अलग अलग भुजाएं आपको दे रखी हैं तो अगेन वही पैटर्न लगाएंगे हम पहले घन का आयतन जो होगा वो होगा थ्री एक्स का क्यूब दूसरे घन का होगा फोर एक्स का क्यूब और तीसरे का होगा फाइव एक्स का क्यूब बराबर होगा किसके बारह के क्यूब के राइट अगेन वही पैटर्न लगेगा बस ये हो गया सत्ताइस एक्स क्यूब ये हो गया चौंसठ एक्स क्यूब ये हो गया एक सौ पच्चीस एक्स क्यूब बराबर में सत्रह सौ क्लियर है आप कहेंगे जी सर सॉल्व करेंगे सबको जोड़ दीजिए एक सौ पच्चीस प्लस चौंसठ और प्लस सत्ताइस दो सौ सोलह एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा सत्रह सौ अट्ठाईस राइट तो x का क्यूब बराबर आ जाएगा आठ जो कि होता है दो का क्यूब तो x का मान आ जाएगा दो अगर x का मान दो है तो तीनों घनों की बुझाएं क्या होंगी आ, दो तीया छ दो चौका आठ दो पंजे दस छ आठ दस यानी कि बी फॉर बॉम्ब क्लियर हुआ सेम पैटर्न पर बेस था बेटा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं थी आपको यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है आधार की इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े की माप पूछिए भैया चारों तरफ आप जब कपड़ा लगाएंगे तो केवल कर्व सरफेस पर लगाएंगे नीचे नहीं लगाएंगे यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है और शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है जहाँ पर एल त्रियक ऊंचाई होती है एल का मान निकालते हैं हम आर का वर्ग करके प्लस एच का वर्ग करके तो अंडरवुड के अंदर त्रिज्या का वर्ग करेंगे आठ का वर्ग हो जाएगा प्लस ऊंचाई यानी पंद्रह का हो जाएगा तो दो नवासी यानी कि सत्रह आ जाएगा एल का मान हमें पूछा है सी एस ए क्या होगा तो लगा दो पाई इंटू आर इंटू एल पाई की वैल्यू रखनी है क्या हाँ जी सर रख दीजिए बाईस बटे सात हमने रख देना है पाई, आ, पाई की जगह आर का मान आठ दिया ही है आपको एल का मान आपने निकाल लिया है सत्रह सबका गुणा करो सॉल्व करो फोर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर थ्री आपका आंसर आने वाला है डी फॉर डेहली समझ में आया बेटा है जी सर आप बहुत बढ़िया अपडेट हो मतलब क्या है इसका इसका तो फॉर्मूला याद नहीं हुआ बेटा याद कर लो अभी भी वक्त है मैं फॉर्मूला रिवीजन की क्लास लाऊंगा उसको घोंट ले ला एक गोले की त्रिज्या को डेढ़ गुना कर दिया है तो क्षेत्रफल पहले का कितने गुना हो जाएगा बहुत ही शानदार सवाल है बेटा वैसे इसका डायरेक्ट आंसर है टू पॉइंट टू फाइव गुना क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गोले का जो आयतन होता है वो त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है अगर त्रिज्या एक रखोगे तो आयतन भी एक होगा अगर दो रखोगे तो आयतन आठ गुना हो जाएगा अगर तीन रखोगे तो आयतन नौ गुना हो जाएगा अभी हमने 1.5 रखा है तो अच्छा क्षेत्रफल की बात कर रहा है क्या ओके okay, क्षेत्रफल की बात कर रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वर्ग के समानुपाति होगा राइट फोर पाई आर होता है ना यानी अगर त्रिज्या एक होगी तो क्षेत्रफल भी क्या होगा एक होगा अगर दो रखोगे तो चार होगा तीन रखोगे तो नौ होगा चार रखोगे तो सोलह होगा डेढ़ रखोगे तो टू पॉइंट टू फाइव गुना हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा डी फॉर डेहली कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको नेक्स्ट शंक्वागार टंकी की ऊंचाई दे रखी है आपको उसके आधार का व्यास दिया है त्रिज्या क्या होगी बच्चों बता दो जरा ब्याज की आधी यानी कि बत्तीस त्रिज्या आ गई बत्तीस ऊंचाई आपको दी है साठ तो पहले तो बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर से पेंट करवाना है पैंतीस रुपए के हिसाब से तो पहले तो ये सोचो कि पेंट बाहर से ही कराओगे तो सी की बात कर रहा है तो पहले एल निकाल लेते हैं अभी बताया था एल कैसे निकलता है आर का वर्ग कर दो यानी कि बत्तीस का वर्ग प्लस एच का वर्ग यानी साठ का वर्ग यह आ जाएगा बेटा अड़सठ बड़े प्यार से हमसे पूछा है सी तो पहले सी निकाल लो पाई इंटू आर इंटू, आर इंटू करके तो पाई की जगह बाईस बटा रख देता हूँ मैं आर की जगह बेटा बत्तीस रख देता हूँ मैं एल की जगह अड़सठ रख देता हूँ इतना मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया सॉरी इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया एरिया आ गया चूँकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए सौ का भाग यहाँ लगाओ सौ का भाग यहाँ लगाओ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना मीटर स्क्वायर हमारा टेंट है जिसको हमें क्या करना है पेंट करना है पैंतीस रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यानी कि एक वर्ग मीटर का खर्चा है पैंतीस हमारे पास तो इतना है तो इन कर दो इसमें पैंतीस का और समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा काटा पीटी में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा बेटा आप सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन फोर समझ में आया बोलिए इज दैट क्लियर बॉइस चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं अगला प्रश्न आज तो रिकॉर्ड कायम कर दिया हमने समझ रहे हो तुम है स्पीड देखी तुमने अभिषेक सर की बताइए अच्छा कल का टेस्ट कैसा था अभिषेक सर पूछ रहे हैं कल का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था उसमें मैथ्स का मैथ्स के बारे में आपका क्या कहना है क्या राय है एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में बताइए 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 अच्छा था एक नहीं बना था बस ठीक था तो टफ क्या था बच्चे रो रहे थे बच्चे क्यों रो रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बोलो बोलो अरे बोलो पांच राइट थे क्या बात है एक क्वेश्चन नहीं बना था बस अच्छा बच्चे इंग्लिश की वजह से रो रहे थे ओके ओके okay, चलिए ध्यान से देखिए आयतनों का अनुपात निकालना है सिलेंडरों की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आयतन का अनुपात है वो त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है ठीक है बच्चों तो मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होनी चाहिए यहाँ पर त्रिज्या का दिया है दो अनुपात एक ऊंचाई का दिया है तीन अनुपात दो ये हो गया दो दूनी चार दिया बारह और नीचे आ गया दो काटेंगे तो छः अनुपात एक आ जाएगा बाकी पांच क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ इनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाइएगा बेटा और इसी के साथ हमारा आज का अध्याय होता है समाप्त जैसा वादा किया था वैसा निभाया अब आ जाना तेरह तारीख को सॉरी बारह तारीख को शाम पाँच बजे कंप्लीट मैथ्स का रिविजन मैं आपको इसमें दे दूंगा विथ ट्रिक्स विथ कॉन्सेप्ट और विथ फॉर्मूला भले ही आपने पुरानी क्लासेस ली हो नहीं लूँ केवल इस क्लास को लेकर चला जाना अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज बाहर नहीं जाएगी पूरा मैथ ऐसा लगेगा आपने कि पूरा मैथ्स एक बार दोबारा से पेपर से पहले आपने रिवाइज कर लिया आप खुद नहीं कर पाओगे मैं कराऊंगा इसलिए मिस मत करना आज की आज बता रहा हूँ तुम्हें तो बाकी ऑल इंडिया लाइफ टेस्ट का वक्त हो चुका है बेटा तो सात बजे आप लोग जो साइंस सेगमेंट के हैं वो जाएंगे हमारे एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया के ऊपर और सवानों पर जाएंगे वाई ग्रुप वाले बच्चे यानी अदर देन साइंस के ये सभी इस तीन फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को जाकर जरूर दें अपनी तैयारी का आकलन जरूर करें बच्चों ये बिल्कुल फ्री है टीम ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इसे तैयार किया है बाकी आने वाले दिनों में आपके एग्जाम है तेरह अक्टूबर से तो पहली शिफ्ट का हम लोग रिव्यू लेकर आ रहे हैं आपके लिए फुल पेपर सोल्यूशन इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जो बच्चे तेरह को एग्जाम देने जाएंगे पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम देने के बाद जब पेपर हॉल से बाहर निकलें तो प्लीज़ इन दिए गए नंबरों पर आप क्वेश्चन का पेपर का रिव्यू जरूर भेजें ताकि उन बच्चों तक ये क्लासेस का फायदा पहुंचे उन बच्चों तक जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है और आपको भी आपके पेपर का रिव्यू मिल सके बेटा हम लोगों ने आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत की है हर एक प्रकार से आपको चीज़ें देने की कोशिश की है अब आपका फर्ज बनता है कि इस मेहनत का कर्ज अदा करो राइट तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अब मुलाकात करेंगे कल महायज्ञ में रात साढ़े बजे टॉप हंड्रेड क्वेश्चन ला रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी के जो पहले लिख आया था अब और शानदार आपके लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन ला रहा हूं मिस मत कर देना सौ क्वेश्चन का वादा किया है इस वादे की खातिर आप सभी को आना है उस मां बापू के वादे की खातिर आपको जरूर आना है ठीक है जी मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना अब मुलाकात होगी नेक्स्ट धारावाहिक में तब तक ध्यान रखिए अपना जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू सो मच टेक केयर बाय लव यू ऑल माँ टेक केयर